शहर में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रशासन की ओर से छठ पूजा करने की मंजूरी देने के साथ प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया था कि पर्व मनाने के दौरान कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से बचने के लिए छठ पूजा करने वालों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कहा गया था, लेकिन इस बात का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और घाटों से लेकर तालाबों तक जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तो वहीं जिले में कई ऐसे परिवार भी रहे जिन्होंने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ महापर्व को घर में ही मनाया और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जी हां, यहां महिलाओं ने एक टब में पानी भरकर उसमें खड़े होकर पूरे विधि विधान से छठ पर्व की पूजा की। आज सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ पूजा का आयोजन हमारे घर में किया गया। चूँकि अभी देखा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में कोरोना काल का साया है, इसलिए कोरोना से बचते हुए सावधानी पूर्वक आज छठ पूजा का आयोजन हम लोग ने घर में ही टब बनाकर, टब में आधा डूब कर और सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया। चूँकि अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बहुत तेज़ी में फैल रही है, इसलिए घाटों पर जाकर अनावश्यक भीड़ मचाने की अपेक्षा हम लोगों ने घर में करना ही उचित समझा और छठ पूजा का आयोजन घर में ही बनाए हुए टब में किया गया। और साथ में पूरा जो विधि विधान होता है, कोसी भरी गई, हमारे घर में ही पूरा आयोजन किया गया कोसी भर। जय छठी मैया। आज जो अभी छठ का पर्व हम मना रहे हैं, ये विशेषकर बिहार उत्तर प्रदेश का है जो हम मनाते, जो हाँ 4 दिनों का होता है, जो नहाखा से चालू होता है और जिसमें 48 घंटे से ज़्यादा का उपवास होता है, जो किया जाता है अपने घर परिवार वालों की खुशी के लिए, इन शांति बनाए रखने के लिए, घर परिवार सुख समृद्धि के लिए। और ये एक अलौता ऐसा पर्व है, जैसे उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, हम ढलते सूरज की भी पूजा करते हैं और छठी मैया जो कि सूर्यदेव की बहन है उनकी पूजा की।